तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो मैं आज, एक गाड़ी है अपने पास टोयोटा की, हाईएस है, 2020 का मॉडल है। तो ये फाइनली अपने इंडिया में गाड़ी है नहीं अवेलेबल, देख पा रहे आप, बहुत बड़ी गाड़ी है, लग्जरी कार है। पीछे देख पा रहे आप, एसी एयर कंडीशन सिस्टम देख रहे हैं। यहाँ पे इसका इवापोरेटर कॉइल दिया है एक, और एक सामने दिया है। तो इसका सामने वाला जो इवापोरेटर है ना, वो लीक हो चुका है। तो इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। गाड़ी देख करके तो आपको समझ में आया रहेगा कितनी बड़ी गाड़ी है। तो इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले, मैं ये गाड़ी का काम कभी किया नहीं हूँ, फ़र्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सऊदी में फ़र्स्ट टाइम ही हूँ अभी। तो इस गाड़ी का काम किया नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सामने से खोलने की, यानी साइड से खोलने की कोशिश करूँगा। ये पैनल सब खोलूँगा पहले, अगर इधर से खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डैशबोर्ड खोलने की अगर ज़रूरत पड़े तो ही खोलूँगा। तो सबसे पहले ये साइड का खोल रहा हूँ, खोलने के बाद फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि साइड से खुलता है क्या नहीं खुलता है। तो फाइनली इसको मैं खोला इधर से, इधर का पूरा पैनल वगैरह सेटअप खोला। खोलने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से खुल जाएगा, जैसा फॉर्च्यूनर में दिया है, इवापोरेटर कॉइल नीचे से निकल जाएगा। तो उसी टाइप का टोयोटा की गाड़ी में, बहुत से गाड़ियों में देता है कि बगैर डैशबोर्ड खुले भी निकल जाएगा। तो मैं इसको पूरा ब्लोड की जो सेटअप है, पूरा सेटअप खोलता हूँ। खोलने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि खुलने का चांस है या नहीं है। तो चलो खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ब्लोड मोटर खोला मैंने, पूरा सेटअप खोला इसका, लेकिन बट यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है यहाँ से कि ये खोल के आपका इवापोरेटर कॉइल निकल जाए, कोई भी चांस नहीं है। तो इस वजह से इसका डैशबोर्ड खोलना ही पड़ेगा मेरे को। तो सबसे पहले बैटरी वायर निकाला नहीं था, मैं बैटरी वायर निकाल देता हूँ, फिर आगे का आपको दिखाता हूँ। इसका बैटरी यहाँ दिया हुआ रहता है, तो ये पूरा पैनल खोलेगा तभी बैटरी निकलेगा। तो ये पैनल खोल के बैटरी वायर निकाल के फिर आगे मैं डैशबोर्ड खोलने की प्रोसेसिंग में लेके जाऊँगा। तो बैटरी वायर निकाल दिया हूँ, काफ़ी कुछ खोलना पड़ता है इसका, बैटरी का वायर निकालने के लिए या फिर बैटरी निकालने के लिए। तो ये भी एयरबैग सिस्टम है ये, तो इसको लॉक दिया है इधर, ये देख पा रहे हैं आप, ये वाली लॉक को दबाना पड़ेगा अपने को। ये खुल गया, दूसरा इधर दिया रहेगा, तो चलो ये सब खोल के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। टोटल तीन लॉक रहता है, तीन लॉक खोलने के बाद ये इजीली निकल जाएगा अपना। तो ये देख पा रहे हैं, फिर ये मॉड्यूल निकल बाहर, ये सॉरी मॉड्यूल बोलता हूँ, एयरबैग निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो इसका स्टेयरिंग खोल दिया हूँ, और उसके बाद ये रिंग खोलना पड़ेगा, ये कवर सब खोल दिया हूँ, एक दो स्क्रू है, उसके बाद इधर नीचे रहेगा एक, खोल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लॉक रिंग का आप ख्याल रखना, जो पोजीशन में खोले हो वही पोजीशन में इसको बैठाने का। इसको निकालने के बाद इसको कुछ टेप वगैरह से या फिर रस्सी से बांध दें तो अच्छा रहेगा। तो चलो फिर मैं इसको खोल के बांध के दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली ये सब चीज़ खोल दिया हूँ, देख पा रहे हैं, मैं एक एक करके तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें खोलना पड़ता है इसमें। तो आपको वीडियो में सिर्फ दिखा दे रहा हूँ कि पैनल वगैरह खोल लिया, और मीटर खोलने का मेरे को, ये भी खोलना पड़ेगा, हेडलाइट स्विच का पूरा सेटअप, इग्निशन स्विच के साथ आएगा ये। तो ये सब चीज़ें मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको यहाँ की गाड़ियाँ जो है, बाहर कंट्री, फॉरेन कंट्री की गाड़ियाँ आप देखें उसमें कैसा क्या क्या रहता है दिया हुआ, बस बाकी कुछ नहीं। और ये देख लीजिए इस साइड का, तो बाकी सब खोल रहा हूँ मैं, खोल के फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली मीटर का दो स्क्रू था, वो भी खोल दिया हूँ। ये तीन सॉकेट है, दो सॉकेट है, ये सॉकेट खोलता हूँ, फिर ये साइड का पैनल खोलता हूँ, और वो साइड का पैनल खोल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या खोलना रहेगा। तो फाइनली सब खुल चुका है इधर का, देख पा रहे हैं आप, ये सब खुल चुका है। अब ये ग्लोव बॉक्स जिसे बोलते हैं, इसमें चार स्क्रू जो बोल दिया रहेगा, 10 नंबर ऊपर से प्लेट रहेगा, फिर वो खोलने के बाद फिर दो 10 नंबर अंदर से रहेगा, और इसको पीछे साइड पुश करेंगे, खींचेंगे, निकल जाएगा। तो इसको मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब फिर उसके बाद ये नीचे वाला जो फाइबर है, ये वाला निकलेगा। तो इसको 10 नंबर दिया हुआ रहेगा, किधर ना किधर से मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो
पूरे ये खोलता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो आगे साइड अपन खींचेंगे, इसमें कोई 10 नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ है, सब क्लिक दिया हुआ है, तो खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं आप निकल चुका है, इसमें दो सॉकेट रहेगी, ये दो सॉकेट निकालने का, और ये सॉकेट निकाल के फिर ये वाला निकाल के टेप वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली कंट्रोल पैनल खोल दिया हूँ, लेकिन बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पर भी ये कोई भी गाड़ियों में, टोयोटा की गाड़ियों में अक्सर बेस्तर देता है ये वाली केबल जो आप खोलेंगे ना, तो इसको कंट्रोल पैनल को अलग कर देना, यहाँ से बटन के पास से कभी मत निकालना, या बटन के पास से या डैशबोर्ड के अंदर अपना डक्ट के एसी क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट से भी मत निकालना, क्योंकि ये अगर एक बार सेटिंग बिगड़ जाती है इसका, तो इसको सेटिंग करने में काफ़ी टाइम ले लेता है। इसकी वजह से बटन से ही निकाल दें इसको, मतलब बोले तो कंट्रोल पैनल को यहाँ से अलग कर दें और बटन को छुट्टा छुट्टा कर दे तो भी चलेगा। कंट्रोल पैनल को अलग कर देंगे तो भी ये अंदर चला जाएगा, अपना डैशबोर्ड निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। ये देखिए ये वाली केबल ब्लैक कलर की जो दिख रही है, जो अपन घुमाते हैं हीटर और डायरेक्शन, तो उसको कंट्रोल पैनल को अलग कर दे। तो चलो फिर मैं इसको अलग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं कंट्रोल पैनल को ब्रैकेट से अलग कर दिया हूँ, देख रहे हैं इस तरीके से मैं बोल रहा था, इसको अलग कर देंगे तो अब टेंशन नहीं है। इसको आप इधर से इधर डाल देंगे अंदर, ये अपना इजीली डैशबोर्ड निकल जाएगा। तो चलो फिर बाकी का टेप वगैरह मैं खोलता हूँ, खोलने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड खुल गया अपना, तो चलो फिर इसको बाहर लेता हूँ, बाहर लेकर के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड खुल गया, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, नीचे रखा हूँ इसको, और गाड़ी में भी देख लीजिए, ये रही अपना डैशबोर्ड पूरा खुल गया। तो मेरे को एंगल निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपना इधर से ही निकल जाएगा। ये खोलेंगे ये बोल्ट, ये बोल्ट, ये बोल्ट, और उस साइड एक ऊपर बोल दिया है, वो खोलने के बाद बाहर से हीटर और कूलिंग कॉइल का जॉइंट खोलने के बाद निकल जाएगा। तो चलो फिर निकालते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली बाहर ले लिया हूँ इसको, ये रही क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, ये हीटर कॉइल, और ये नया वाला है। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ। इवेपोरेटर कॉइल देख लीजिए, ये अंदर साइड से देख रहे हैं लीकेज हुआ है। तो चलो फिर इसको रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस करने के बाद फिर आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली नया वाला कॉइल फिट कर दिया, इवेपोरेटर कॉइल, ये रही जूनी वाली लीक हुआ है इधर से। तो चलो फिर इसको गाड़ी में फिट करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट ब्लोड का जो सेटअप पहले मैं खोला था वो सब फिट कर दिया हूँ। अब चलो डैशबोर्ड ऊपर का डाल देता हूँ, डैशबोर्ड डाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड डाल चुका हूँ मैं, तो चलो ये सब फिटिंग करता हूँ बराबर, प्रॉपर तरीके से फिटिंग करने के बाद फिर आगे एक बार दिखाता हूँ, ये सब फिट कर देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपनी गाड़ी पूरी फिट हो चुकी है, एसी वगैरह सब चालू है, अभी कूलिंग एक नंबर चिल्ड हो रही है, गाड़ी प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है, एसी वगैरह सारे चालू है, गाड़ी स्टार्ट है। तो गाइस मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए यहाँ की कारें कैसी होती है, किस टाइप से एयर कंडीशन सिस्टम रहता है इसके वजह से, बाकी और कुछ नहीं। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।